इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का अहम मौजू आ रहा है, बहुत अहम खबर समझ लीजिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की जानिब से जिस कदर संसद यानी कि ऐवान में जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया वो वाकई बेहद शर्मनाक कहा जा रहा है। मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को लेकर मजाक कहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री किसान एहतजाज पर मजाक करने लगे, और वो भी भद्दा मजाक, क्या इतने ऊंचे होदे पर बैठे शख्स क्या ये जेब देता है कि किसानों को एक अलग ही जमात वजूद में आने की बात करते हुए कहा और मजाकिया अंदाज में संसद में मुस्कुरा भी रहे थे। दरअसल भारत देश की तारीख में ऐसा दिन हमने कभी नहीं देखा होगा कि वजीर आजम खुद पिछले कई महीनों से एहतजाज करते किसानों पर मजाक करते हुए कहते हैं कि ये एक अलग जमात है जिसका नाम इन्होंने आंदोलन जीवी कहा। क्या वाकई प्रधानमंत्री को इस एहतजाज की संजीदगी मालूम नहीं है? सैकड़ों किसानों ने अपने जानों की कुर्बानी पेश किया। आज भी जब इस खबर को लिखा जा रहा है, कुछ ही घंटों पहले एक किसान ने प्लास्टिक की रस्सी से अपने आप को फंदे पर झूल लिया और पैगाम लिखा था, वैसे भी हम कानूनों की वजह से मरने ही वाले, लिहाजा क्यों ना मैं अपनी अभी जान दे दूं। कहने का मतलब, आज देश के प्रधानमंत्री ने अपना बयान भी दिया तो महीनों अपनी मांगों मनवाने के लिए बैठे किसानों का मजाक बनाकर बयान पेश किया। आज ऐवान में वजीर आजम ने कहा कि किसान किस लिए एहतजाज कर रहे, इस पर ज्यादा बात नहीं हुई, जबकि पिछले कई महीनों से 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग की जा रही जिसे मोदी हुकूमत ने मंजूर किया। अडानी अंबानी की जेब भरने के लिए MSP के 7 किसान कानूनों की मंजूरी, गोया किसानों के मौत का परवाना मोदी हुकूमत ने मंजूर किया। पर आज ऐवान में प्रधानमंत्री मोदी का रवैया निहायत शर्मनाक की कह सकते, क्या इंसान की, किसान की, मजदूर की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? आगे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये लोग महज एहतजाज के लिए ही होते हैं, जहां भी एहतजाज होता है यही लोग नजर आते हैं। अब इस बात पर क्या कहा जाए, यकीनन 200 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो गई, खुदकुशी कर रहे हैं, आखिर कोई अपनी जान देने पर आमादा क्यों होता है? इस कानून की संजीदगी क्या होगी? कोई यूं ही जान तो नहीं देता क्या? फिर किसानों की मौत पर आखिर प्रधानमंत्री को मजाक क्यों सोच रहा है? किसान MSP की भी मांग कर रहे हैं तो इस पर भी वजीर आजम कहते हैं कि MSP था, है और रहेगा, इसका क्या मतलब? अब तो किसान एहतजाज मुल्क की सतह पर फैलते दिखाई दे रहा है। वजीर आजम का बयान किसानों की तौहीन नहीं है? आखिर क्या किसान पागल है जो अपनी जान देकर एहतजाज कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है जिस कानून को मोदी हुकूमत ने मंजूरी दी है, यह कानून आने वाली नस्ल को सरमाएदारों पूंजीपतियों के हाथों के गुलाम बना देगी। किसान लीडर राकेश सिंह टिकैत ने सख्त अल्फाजों में प्रधानमंत्री की मजम्मत की है। भाजपा की जानिब से बार बार 26 जनवरी के तशद्दुद की बात कही जाती है, तो इस पर किसान कानून टिकैत ने कहा कि जिस हिंसा की बात कही जा रही यह तो खुद भाजपा की ही जानिब से फैलाई गई, जिसकी दलील खुद दीप सिंह सिद्धू का अमित शाह और मोदी के साथ की तस्वीर है। जो भी हो, पर आज के बयान की उम्मीद आवाम के साथ किसानों को भी नहीं थी। अब गांव, शहर, तालुका, पंचायत, हर जगह पर हजारों की भीड़ में किसानों के साथ गांव वालों भी जुड़ना शुरू हुआ है। मोदी ने आज संसद में बयान देकर इस एहतजाज को और मजबूत तो किया ही है, साथ में यह पैगाम भी दिया है कि जो भी किसान कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री तोमर कहते हैं कि आखिर इस बिल में क्या काला है, मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर 11 दौर की बातचीत भी जो किसानों से की वो क्या थी? हुकूमत नौटंकी कर रही है, ना समझ होने की शक्ल बना रही है। यही नहीं, इससे पहले भी जब मुल्क भर में हिंदू मुस्लिम का ड्रामा किया जाता था तब भी किसी मरकजी वजीर या किसी भाजपा की जानिब से अकलियतों के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए कहना, कभी दलितों के बारे में भी, कभी मॉब लिंचिंग के जरिए मासूमों का कत्ल करना, गोरक्षक दल बनाकर बेगुनाहों को मारने का भी दौर इस मुल्क ने देखा है, और माननीय प्रधानमंत्री जैसे कुछ पता ही नहीं की तरह रहते हैं, जबकि सभी माहौल बनाने की साजिश का हिस्सा होता है। खैर, आज एक बार फिर झूठ बेनकाब हुआ है, वजीर आजम का चेहरा फिर सामने आया, किसानों को लेकर इनकी सोच भी मंजरे आम पर आ चुकी है। अब ये किसान एहतजाज क्या रुख इख्तियार करेगा कहना मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि वजीर आजम का किसानों को लेकर मजाक महंगा पड़ेगा, जिसे पूरा देश भी देख लेगा। मकामी खबर भी इसी किसान एहतजाज से मुतासिर ही कह सकते हैं। बेलगाम शहर में आज कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आजकल
हुकूमत की चापलूसी और मोदी हुकूमत की हिमायत हासिल करने के लिए घटिया बयानबाजी का दौर जारी है। बेवजह बेमतलब बयानबाजी के जरिए सुर्खियां बटोरने के आदि आजकल के खिलाड़ी फिल्मी सितारे होते दिखाई दे रहे, जिसमें खासकर कंगना रनौत का नाम सर फहरिस्त पाया जाता है। मनमानी बयान देकर सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत के खिलाफ बेलगाम के वकील हर्षवर्धन पाटिल ने फरियाद दर्ज किया। हर्षवर्धन पाटिल ने आज साफियों के सामने तमाम बातों को रखते हुए कहा कि कंगना रनौत ने किसानों को देशद्रोही और आतंकी कहा। कंगना ने ट्वीट के जरिए किसानों की तौहीन की है। इसने कहा कि किसान दरअसल किसान नहीं बल्कि दहशतगर्द है। हर्षवर्धन पाटिल ने इस बयान की मजम्मत करते हुए किसान मुल्क में तफरका और दरार पैदा करना चाहते हैं, इसकी भी मजम्मत की। लिहाजा कई मरतबा तौहीन आमोज बयान की वजह से बेलगाम शहर में भी कंगना रनौत के खिलाफ गम गुस्सा की लहर फैली हुई है। इसी के मद्देनजर बेलगाम में भी FIR दर्ज की जा रही है। आखिर कंगना रनौत को किसानों को लेकर इस तरह की बयानबाजी का हक किसने दिया? किसानों का अपमान गोया किसान फौजी मोहकमा की तौहीन है। भारत किसानों का मुल्क है, लिहाजा किसान ही मुल्क की रूह है। किसानों ने मुल्क को हमेशा जोड़े रखा है। लिहाजा ताजरात हिंद की दफाएं 153A, 503, 504A, 505 के तहत फौरी कार्रवाई करते हुए इसके ट्विटर अकाउंट को भी बंद किया जाए और पूरे मुल्क की माफी मांगे, ऐसी मांग भी वकील हर्षवर्धन पाटिल ने की। महाराष्ट्र के वजीर आला पर भी गलत अल्फाजों का इस्तेमाल कंगना रनौत ने किया। क्या कर्नाटक में कंगना पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर तो भाजपा की हुकूमत है। इस पर कहा कि अदालती कार्रवाई का अलग मामला है। उम्मीद करते हैं कि किसी सियासी दखल ना करते हुए इंसाफ के मद्देनजर शिकायत दर्ज की जाएगी, क्योंकि मुझे कानून व्यवस्था और अदलिया पर पूरा भरोसा है। अब देखना होगा कि बेलगाम में मुकदमा किस हद तक दर्ज किया जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।